सदन के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण व धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया जवाब। आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को सदन में किया गया पेश। नकल और परीक्षा पत्र लीक की रोकथाम के लिए जल्द ही लाया जाएगा सख्त प्रावधानों वाला बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में अनुपूरक मांगों 2023-24 को दर्शाने वाला विवरण किया पेश। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाले विवरण पर भी हुई चर्चा। भारत के दौरे पर पहुंचे फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और शिक्षा मंत्री राजकुमार रंजन के साथ की मुलाकात। 8 फरवरी को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे विमान प्रसाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में की अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली योजना की घोषणा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए रखी जाएगी निगरानी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण पर आधारित चित्रकला की गई प्रदर्शित। ग्रैमी अवार्ड में दिखा भारत का जलवा। भारतीय गायक शंकर महादेवन व तबला वादक जाकिर हुसैन को मिला इस साल का ग्रैमी अवार्ड। गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर भारत की प्रशंसा। कहा, बदलती दुनिया में अग्रिम पंक्ति पर रहेगा भारत। लगातार हो रही बारिश ने उत्तर भारत समेत अन्य राज्यों में बढ़ाई ठंड। दिल्ली में वाहनों की आवाजाही हो रही प्रभावित। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक बारिश की जताई संभावना। दिल्ली खेल पत्रकार संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश की पूर्व दिग्गज एथलीट पीटी उषा को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भारतीय तीरंदाज ओजस ने अपने नाम किया प्रतिष्ठित लास वेगास शूट 2024 का खिताब। इस प्रतियोगिता में विश्व के कुल 105 तीरंदाजों ने लिया था भाग।